हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हजरत शहीद उल शहीद समसुद्दीन शाह का आज गुरुवार को उर्स का आयोजन किया गया। पुराना जालौर जबालीपुर स्थित पुरा में ये दरगाह शमसुद्दीन बाबा के नाम से आई हुई है, जहां आज उर्स का आयोजन किया गया। उसमें महफिले कव्वाली के बाद तकरीर का आयोजन किया गया, जिसमें नूर मियां जोधपुर ने अपनी नूरानी तकरीर पेश की। उन्होंने पीर औलिया के आस्थाने पर अकीदत से जाने की बात कही, साथ ही कहा कि किसी के भी मदद करो तो उसको जग जाहिर मत करो, जग जाहिर करना अल्लाह को पसंद नहीं है। साथ ही दुनिया में अच्छे आमाल करो, वहीं पीर वलियों के आस्थाने से निस्बत रखने पर बेहतर जिंदगी बनाए। बे निशानों के निशान मिटते नहीं, किसी पता था यहाँ कोई आदमी दिखता ना आदमजात दिखता, यहाँ तो जनाब जानवरों का बसेरा है, मगर देखें अल्लाह वालों की ये शान है, जंगल में जाते हैं तो मंगल कर देते हैं। अल्लाह वालों की ये शान है कि जहाँ कदम रखते हैं उस इलाके को गुले गुलजार और बागे बहार बागो बहार कर देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला मजदूल करीम ने उनके कदमों में बरकतें इतनी रखी है, जहाँ वो पैर रख देते हैं बरकतों का खजीना वहीं से निकल आता है। इस अवसर पर मौलाना शफी मोहम्मद अकबरी, मौलाना नियाज अहमद, मौलाना वकार अहमद, मौलाना गुलाम अली, हाजी इस्माइल कारी, मौलाना याकूब, मौलाना अरबाज अली सहित अन्य मौलाना ने अपनी तकरीर पेश की। नात खान ने जो चीज मोहम्मद के पसीने में मिलेगी, साथ ही बेखुद किए देते अंदाज है। हिसाब आना आ दिल में तुझे रख लूं, है जलाए साथ ख्वाजा के हिंदुस्तान जिंदाबाद की नूरानी नाते पेश कर वह वाही लूटी। इस अवसर पर कमेटी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे, वहीं लंगर की व्यवस्था दरगाह कमेटी की ओर से रखी गई। उसका समापन दरगाह की गुसल की रस्म के साथ पूरा हुआ। देश में अमन और शांति की कामना की दुआ मांगी गई। इस अवसर पर काफी संख्या में अकीदत मंद मौजूद रहे। अकीदत मंद दोनों ने दरगाह पर मन्नत मांगकर अकीदत के फूल पेश किए। जालौर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।